हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, दो कलर में बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा, बिल्कुल अलग तरीके का, बहुत ही सिंपल बनने वाला डोरमेट डिजाइन बनाना बताऊंगी। उसके लिए देखिए, मैंने ये दो कलर की पुरानी चुन्नी की कटिंग कर ली है। देखिए इस तरह से एक एक सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी काट ली है मैंने दोनों कलर की चुन्नी से। ये देखिए, मेरे पास ये दो कलर थे तो मैंने ये दो कलर लिया। पुरानी चुन्नी साड़ी मैक्रम किसी से भी से बना सकते हैं आप, इसे ऊन से भी बना सकते हो। और बिल्कुल सिंपल तरीके का, बहुत ही आसानी से बनने वाला डोरमेट डिजाइन बनाना बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, हम फंदे डालेंगे। फंदे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके के डालूंगी इस तरह से। देखिए हम यहाँ पर एक नोट बना लेंगे। यहाँ पर देखिए एक नोट बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और 22। देखिए 22 फंदे डाल लिए हैं मैंने यहाँ पर। 22 फंदे डालने के बाद देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम यहाँ पर इस पूरी रो को निकालेंगे। इस तरह से जब हम फंदे डालते हैं, फर्स्ट रो थोड़ा सा आराम से निकालते हैं। ये देखिए, इस तरह से देखिए हम यहाँ पर फर्स्ट रो बना लेते। देखिए मैं इसे 22 फंदे से बनाऊंगी, आप इसे जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। फंदे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए इस फंदे को हम उतार लेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे। इस तरह से देखिए पूरी रो बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम थर्ड रो पे आ गए हैं। तीसरी रो भी हम ऐसे ही निकालेंगे। बिल्कुल सीधी सीधी उल्टी उल्टी इस पूरे मैट में देखिए, हमें ना तो कोई फंदा घटाना है और ना ही कोई फंदा बढ़ाना है। बिल्कुल सिंपल तरीके का उल्टी उल्टी सिलाइयों से बनने वाला डोर मैट है ये देखिए। और इस पूरी रो को देखिए हम
उतार लेंगे। ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो देखिए यहाँ पर हम फिर से इस कंधे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे। यहाँ पर इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए उल्टी साइड से भी हम इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे। पूरी रो उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। से देखिए सीधी साइड से भी हम उल्टा उल्टा बनेंगे इसे। तो देखिए एक दो, इसी तरह की हम यहाँ पर छह धारियाँ बनाएंगे। छह धारियाँ बनाने के बाद देखिए मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। तो चलिए मैं पहले छह धारियाँ बना लेती हूँ। ये देखिए ये छह रो बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 मैंने इस डिजाइन को डाला, फिर मैंने छह रो बनाई, फिर डिजाइन डाला और फिर छह रो बनाई। तो चलिए अब मैं आपको इस डिजाइन को डालना बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए चार फंदे हम देखिए 1 2 3 4 चार फंदे बनाए पर्पल कलर से। इस पट्टी को टाइट कर लेंगे, दो फंदे थोड़ा सा इसको पट्टी को लूज छोड़ते हुए जाएंगे इस तरह से। दो फंदे येलो कलर से बनाए, फिर दो फंदे चार फंदे पर्पल कलर से बनाएंगे, फिर दो फंदे येलो कलर से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा, आसानी से बिगनर भी से आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल चटाई की शेप में। इसी तरह से देखिए हमारे चटाई में भी इस तरह का डिजाइन बन के आता है। तो देखिए चार फंदे बनाने के बाद दो फंदे येलो कलर से बनाएंगे, फिर से चार फंदे पर्पल कलर से बनाएंगे। देखिए अब हम आ गए हैं सीधी साइड। सीधी साइड जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इसे क्रॉस करवाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से येलो पट्टी आगे की तरफ ले आएंगे और पर्पल पट्टी पीछे की तरफ ले जाएंगे। येलो वाले फंदे येलो कलर से बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से इस पट्टी को साथ में टाइट करते हुए जाएंगे, चार फंदे पर्पल कलर से बना लेंगे। सीधी सिलाई में कोई भी चेंज नहीं करना है, जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ऐसे। ये देखिए
इस तरह से देखिए देखिए, इसमें मैंने 22 फंदे डाले हैं। आप जितना इसे चौड़ा बनाना चाहें उसी हिसाब से फंदे डाल सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने 6-6 धारियाँ डाली, आप इसकी जगह 8-8 धारे भी डाल सकते हैं, 4-4 धारे भी डाल सकते हैं। तो देखिए उल्टी रो में फिर से हम वही रिपीट करेंगे, 4 फंदे पर्पल कलर से बनाएंगे, 2 फंदे येलो कलर से बनाएंगे, येलो पट्टी आगे की तरफ ले लेंगे, 4 फंदे पर्पल कलर से बनाएंगे, 2 फंदे येलो कलर से बनाएंगे, 4 फंदे। देखिए इस पट्टी को थोड़ा सा इस तरह से लूज छोड़ते हुए जाइए इस तरह से, ताकि हमारा डिजाइन फिनिशिंग के साथ बन के आए। 4 फंदे पर्पल कलर से बनाएंगे, 2 फंदे येलो कलर से बनाएंगे, फिर से 4 फंदे पर्पल कलर से बनाएंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पर 2 सिलाई में ये एक धारी बन के आई है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 3 धारियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सीधी सिलाई में जो फंदे, इन फंदों को हमें ऐसे ही बनाते हुए जाना है जो फंदे जिस कलर से हैं। तो देखिए येलो पट्टी आगे की तरफ लेके आएंगे, सॉरी पर्पल पट्टी को पीछे कर देंगे और येलो आगे ले आएंगे, येलो पीछे करेंगे पर्पल आगे लेके आएंगे। देखिए क्रॉस करवाते हुए लेके आइएगा इस तरह से। अब येलो आगे की साइड लेके आएंगे, पर्पल आगे की साइड लेके आएंगे, बिल्कुल आसानी से बनने वाला और बहुत ही सुंदर इस तरह से देखिए। फिर पर्पल को आगे की तरफ लेके आएंगे, इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमने चुन्नी की कटिंग की थी, तो कटिंग करते वक्त इसमें गांठ ना लगानी पड़े, इस तरीके से चुन्नी की कटिंग की थी। तो चुन्नी की कटिंग करने की वीडियो मैंने देखी है, अपने चैनल पर डाल रखी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह से देखिए ऐसे, इस पट्टी को देखिए, पट्टी को थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए जाइएगा, बहुत ज़्यादा टाइट बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना हमारे यहाँ पर मैट में खिंचाव आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 फंदे येलो कलर से बना लेंगे, फिर 4 फंदे पर्पल कलर से बनाएंगे, तो देखिए इसी तरह से हम यहाँ पर एक बार फिर से बनाएंगे। इस तरह से देखिए पट्टी को पीछे ले लेंगे, येलो पट्टी आगे की तरफ लेके आएंगे, फिर येलो पट्टी पीछे की साइड लेके जाएंगे, पर्पल पट्टी आगे ले लेंगे,
फिर देखिए। तो चलिए इस रो को इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, आगे बताऊंगी। यहाँ पर देखिए हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से देखिए, एक दो तीन, तीन धारियाँ मैंने बना ली हैं। अब हम इसी तरह से यहाँ पर छह सिलाइयाँ येलो से बनाएंगे। देखिए छह धारियाँ जो हैं हमारी 12 सिलाइयों में बन के आएंगी, बिल्कुल उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए, सीधे साइड से भी उल्टा उल्टा बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा प्यारा सा डोर मैट कैसा लगा। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर इस मैट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आगे आपको दिखाऊंगी। उल्टी साइड से हमें फिर से उल्टे उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करना है। बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बहुत ही इजी है, इसे बिगनर भी इसे आसानी से बना सकते हैं जिन्हें उल्टा सीधा बनाना आता है। इस तरह से देखिए, वो इस पट्टी को इस तरह से लपेट लेंगे अंदर की साइड, और ना ही कोई फंदा घटाना है, ना ही कोई फंदा बढ़ाना है। बहुत इजी है इस डोरमेट को बनाना। इस तरह से देखिए ऐसे बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ।